This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, इंडिविजन न्यूज की टॉप 20 खबरों में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पश्चिम बंगाल में सातवें चरण के मतदान से पहले शुक्रवार को बड़ी घटना सामने आई है। यहां दक्षिण 24 परगना के भांगड़ इलाके में बम फेंके जाने की खबर है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में कई वीवीआईपी सीटों पर भी मतदान हो रहे हैं। पंजाब के फिरोजपुर कैट में भारतीय सेना के अधिकारियों को वोट डालते हुए देखा गया। लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के तहत पंजाब की सभी 13 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है, मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे अपने घरों से बाहर आए और उन लोगों के खिलाफ वोट करें जो संविधान आरक्षण लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। लोकसभा के सातवें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर सुबह 9 बजे तक 11.31% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा वोटिंग उत्तर प्रदेश में 12.94% वोटिंग हुई है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि विपक्ष का गठबंधन बिन दूल्हे की बारात है, यहाँ एनडीए की ही सरकार आने वाली है। यूपी कांग्रेस प्रमुख और वाराणसी सीट से उम्मीदवार अजय राय ने कहा कि हमें साइलेंट वोट मिल रहे हैं और जो लोग बसपा अपना दल जैसे अन्य पार्टियों के साथ है वे हमारे साथ आ रहे हैं। पुणे कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी की मां को गिरफ्तार कर लिया गया है, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने यह जानकारी दी है। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रवि किशन ने मतदान किया। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने विकसित भारत के लिए मतदान किया है, राम राज्य को बरकरार रखने के लिए वोट किया है। कश्मीरी गेट के पास दिल्ली पुलिस मेट्रो यूनिट के दफ्तर में कल देर रात आग लग गई। दिल्ली फायर सर्विस ने बताया कि मौके पर पहुंची दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने 6 जून तक केंद्रीय बलों की 400 कंपनियों तैनात रखने का फैसला किया है। पुणे पोर्स कार एक्सीडेंट केस में जुवेनाइल बोर्ड ने शुक्रवार को नाबालिग आरोपी से पूछताछ करने की अनुमति दे दी। ठाणे रेलवे पुलिस ने महिला से छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला के पास चंदा मांगने के बहाने से आया और उसे गलत तरीके से छूने लगा। मुंबई के घाटकोपर में हुई होर्डिंग हादसे को लेकर जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। होर्डिंग को स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी होने से 2 महीने पहले ही लगा दिया गया था। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित होने वाले कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को एक बार फिर से कम कर दिया है। इस बार T20 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट थोड़ा अलग है और 20 टीमों को 5-5 के 4 ग्रुप में बांटा गया है। टीम इंडिया ग्रुप ए में है और जहां उसके साथ पाकिस्तान, कनाडा, आयरलैंड और को होस्ट अमेरिका भी है। सुपरस्टार सलमान खान फायरिंग केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मुंबई पुलिस लगातार इस मामले में अपनी जांच कर रही है। ऐसे में उनके हाथ 4 शूटर्स लगे हैं जिनका लिंक सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग वाले मामले से जुड़ा है। जानवी कपूर और राजकुमार राव की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही रिलीज हो गई है और फैंस को बहुत पसंद आ रही है। क्रिकेट पर बनी इस फिल्म ने अच्छी शुरुआत की है। पंचायत का 3रा सीजन रिलीज हो चुका है। इसकी कहानी लोगों को खूब पसंद आ रही है। सचिव जी से लेकर मंजू देवी, प्रहलाद चाचा, सभी लोग फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं। राजकुमार राव की श्रीकांत अपना बजट वसूल कर चुकी है। अब ये फिल्म 50 करोड़ का आंकड़ा छूने की ओर तेजी से बढ़ रही है। ऐसी टॉप 20 खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए NBC न्यूज। धन्यवाद।